उम्र में कोई चला गया और 25 साल के उम्र में रिटायर हो गया, उसके बाद से क्या करेगा मोदी जी, आप बताइए। आप तो अपनी पत्नी को छोड़ के हिमालय पे चले गए। मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए थे हिमाचल पे, हिमालय पे चले गए थे आपके कहने के अनुसार। तो सबसे पहले इस मुद्दे के बीच में मोदी की पर्सनल लाइफ क्यों बीच में आई, लेकिन आपको उस चीज की भी समझ और जानकारी होनी चाहिए कि जिस समय मोदी जी का ब्याह हुआ था, शादी हुई थी, उनकी उम्र क्या थी उस समय। और यहाँ पर आप ये भी तो बताओ ना खुलकर कि इनको आगे रोजगार के साधन दिए जाएंगे, आधा अधूरा ज्ञान लेके क्यों पहले फिरते हो यार। आप लोगों का सम्मान करते हैं लोग, आपको इतना फॉलो करते हैं, लेकिन आप गलत जानकारियां, आधी अधूरी जानकारियां जुगर देंगे तो कैसा लगेगा हैं? चलो आगे भी देखते हैं। क्या होता था आर्मी में, धोबी जो कपड़े धोते थे वो भी आर्मी के जवान ही होते थे, जो खाना बनाते थे वो भी आर्मी के जवान ही होते थे, जो उसमें घास काटते थे, साफ सफाई करते थे, वो भी आर्मी के जवान ही होते थे, और इसके अलावा जो है वो युद्ध के मैदान में भी जाते थे। अब धीरे धीरे क्या किया गया है, जैसे बड़े बड़े संस्थानों में आप चले जाइए, सचिवालय में, दिल्ली सचिवालय में चले जाइए, जो PMO ऑफिस है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी आने लगे हैं। तो अब ये समझ नहीं आता है कि मतलब सचिवालय में और क्या बोलते हैं मंत्रिमंडलों में भी अब खाना बनाने के लिए आर्मी के जवान जाएंगे क्या? वहां पहले से ही ठेका दिया जाता था और आज भी ठेका दिया जाता है साहब। और आर्मी में आज भी जो घास काटने वाले होते हैं, ड्राइवर होते हैं और काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ, वो आर्मी के ही जवान होते हैं और वो लड़ाई लड़ने भी जाते हैं। लेकिन ये कहाँ का सत्य हो गया यार, कैसी बातें करते हो। तो वहाँ आर्मी मतलब सचिवालय में पहले आर्मी के जवान जाते थे खाना बनाने के लिए, और अब जो है प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, उनके ठेके पड़ते हैं उन कैंटीनों के, और उन कैंटीनों के जो ठेकेदार को ठेका मिलता है वो जो है वहाँ पे काम करता है। आर्मी का जवान नहीं जाता था पहले, हाँ वहाँ भी आर्मी का जवान जाएगा। धन्य हो प्रभु, बहुत सुंदर, चलो आगे बढ़ते हैं। मोदी जी तो ये सही योजना नहीं है, और बच्चे जो है सड़कों पे विरोध कर रहे हैं मोदी जी, इसके पहले कि वो कुछ करें। अब सड़कों पर जो भी बच्चे, तथाकथित बच्चे आपके कहने के अनुसार, जो अगर उन बच्चों की तरफ आप देखेंगे, उनमें एक भी बच्चा 18 साल से लेके 21 साल का तो कोई नजर नहीं आ रहा है। जो अगर आप गौर करेंगे तो उनमें बच्चा को ही नहीं है। आपने जो बीच में नुपुर शर्मा के भी इस वीडियो में आप बात कर रहे थे, आधे तो उसी के ही जो विरोधी थे वो हैं उन्होंने। और ठीक इसी प्रकार जब पिछली बार बिहार में हंगामा हुआ था नौकरियों के नाम पर, और खान सर जो तथाकथित खान सर है गायब हो गए थे, उनके ऊपर FIR जो है दर्ज हो गई थी, तो सेम इसी प्रकार से हुआ था वो। आप वहां बात करते हैं जहां आपका एजेंडा फिट नहीं होता है, यहां एजेंडा फिट होता है तो बात करते हैं। बच्चे कुछ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मतलब पिछली बार की तरह अभी भी वो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, बच्चा तो कोई नजर नहीं आया उसमें 21 साल का। आप गौर कीजिए और समझिए क्यों बरगलाने की और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आप, गलत तथ्यों को सामने रखकर। आपका सम्मान मैं भी करता था, मैं भी सोचता था, समझता था, ठीक है, लेकिन अब समझ में आता है धीरे धीरे कि आपका एजेंडा जो अगर फिट नहीं होता तो आप बात नहीं करते। एक भी बच्चा उनमें से दिखा दो, कौन है 21 साल का, कौन 18 साल का, सारे तो बूढ़े बूढ़े नजर आ रहे हैं उनमें। कभी ट्रेनों को जला दे रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। बताइए, उनको भी तो उनके लिए भी तो आपको कहना चाहिए ना कि ऐसा ना करो, नुकसान की बजाय पहले फायदे गिनवा देते या उस पर बात ही नहीं करते। अगर आप नुपुर शर्मा की बात कर रहे थे तो आपने एक बार भी बात नहीं की, क्योंकि आपका एजेंडा फिट नहीं बैठता था। बिना दिमाग वाले नेताओं से खासकर विनती है कि इस प्रकार का योजना ना लाएं, और हो सके तो देश को बचाने का प्रयास करें। अच्छी बात है, देश को बचाने का प्रयास तो आपको भी करना चाहिए। आज जो आग लग रही है, दंगे भड़क रहे हैं, दुनिया भर के राज्यों में तमाशा मचा हुआ है,
आप क्यों नहीं बात कर रहे? आपने नेताओं से तो कह दिया है, मोदी से भी कह दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीस आपके चेहरे पे भी दिखाई। आपके चाचा पर भी शराब माफिया होने के आरोप लगे। आपने आके सामने कहा कि मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन कभी चाचा के पास जाके उनसे सवाल जवाब नहीं किए जो आप अधिकारियों के साथ में करते हैं या सड़क में जाके करते हैं, क्योंकि वह आपके एजेंडे में नहीं बैठता है। विमल पान मसाला बेचने पर आप अजय देवगन, अक्षय कुमार के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी क्या है आपकी सक्सेस का टेस्ट रॉयल ग्रीन सोनू सूद पर बात नहीं करते। तो एजेंडे को ज़्यादा मत बढ़ाइए और ईमानदारी से सबके समक्ष बात रखिए। इसी में सबका भविष्य और आपका भी निहित है। नमस्कार।